प्रूव दैट मैक्सिमम हाइट इज एट मिड पॉइंट ऑफ रेंज. मतलब अगर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ अचीव होती है? यहाँ पे एच एम, और रेंज क्या है? आर. मुझे प्रूव करना है कि मैक्सिमम हाइट रेंज के मिड पॉइंट पे है. रेंज का मिड पॉइंट क्या हुआ? तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? आर बाई टू, और ये डिस्टेंस कितना हुआ? आर. तो मुझे प्रूव करना है कि मैक्सिमम हाइट रेंज के मिड पॉइंट पे है. मतलब ये डिस्टेंस आर बाई टू, तो ये डिस्टेंस आर बाई टू मुझे प्रूव करना है. क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट है. मैक्सिमम हाइट से इसकी दूरी कितनी है? एक्स एक्स. और अगर मुझे प्रूव करना है कि मैक्सिमम हाइट मिड पॉइंट पे है, तो मैं क्या प्रूव करूंगा? एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? आर बाई टू. अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है? आर बाई टू, तो आपको मानना पड़ेगा कि आर बाई टू, तो बचा हुआ डिस्टेंस भी आर बाई टू, तो मैक्सिमम हाइट कहां पर पाई जाएगी? एट मिड पॉइंट. क्लियर है यहां तक? तो एक काम करते हैं, मुझे इसमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है. आप मुझे बताएं कि अगर ये प्रोजेक्टाइल यहां से चला, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, वर्टिकल कितना? v sin थीटा. प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, तो वेलोसिटी v sin थीटा कम 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 करते करते वर्टिकल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हो जाती है? जीरो. किया था हमने. तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम, v cos थीटा. तो अगर कोई बॉडी यहां से यहां गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, तो कितने टाइम में पहुंची, उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट. और टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? वी साइन थीटा बाई जी. यानी कि अगर प्रोजेक्टर यहां से यहां आई, तो उसने कुल मिला के दो डिस्टेंसेस कवर किए हैं. वाई एक्सिस में क्या कवर किया? एच एम. और एक्स एक्सिस में क्या कवर किया? एक्स. साइमल्टेनियसली दो डिस्टेंस कवर हुए हैं उसके. यहां से यहां आने में एच एम भी हुआ और एक्स भी हुआ, पर मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है? एक्स. तो मैं अपनी इक्वेशन किस एक्सिस में लूंगा? वाई में कि एक्स में? एक्स में. तो मैं अपनी इक्वेशन एक्स में लेता हूं. तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी की वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स सेम. तो कितनी रहेगी? वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा एंड वी कॉस थीटा. और एक्स एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगेगी? एस इज इक्वल टू वी टी. मुझे क्या निकालना है? एक्स. तो डिस्टेंस की जगह एक्स, वेलोसिटी की जगह वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा की जगह वी कॉस थीटा. और x डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा? t1. तो टाइम की जगह t1. ये स्टेप क्लियर है? तो यहां पे t1 क्या है? टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट क्या है? v sin थीटा बाय j. तो ये मेरे पास क्या आ गया? v स्क्वायर इनटू v इनटू v, v स्क्वायर. ये x आ गया. क्या ये पॉइंट क्लियर है? x की वैल्यू क्लियर है? नेक्स्ट है रेंज का फॉर्मूला. मैंने आपको क्या प्रूव किया था? v स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. और ये भी बताया था कि sin 2 थीटा क्या होता है? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो ये आपके पास x है, ये आपके पास r है. ऐसा करो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो. x डिवाइडेड बाय r, दिस टर्म बाय दिस टर्म. ये देखो x बाय r टर्म डिवाइड, सब कैंसिल हो गया. 2 v square, g, g, साइन cos सब कैंसिल. क्या बचा? सिर्फ हाफ. तो r अगर राइट साइड पे गया, तो x क्या आ गया? r बाय 2. और ये मुझे प्रूव करना है कि x की वैल्यू क्या होगी अगर r बाई टू, तो हाइट कहां पर होगी? एट मिड पॉइंट. तो x निकालने के लिए एक्सिस कौन सा लिया? x एक्सिस. आंसर आ गया.